आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सुबह का हल्का फुल्का नाश्ता, जिसे आप बहुत ही आसानी से घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। और इस नाश्ते को बनाने के लिए ज़्यादा थामझाम की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ दो चीज़ों से यह नाश्ता बनकर तैयार होता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और रेसिपी अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिया है एक बोल, इसमें डाल देंगे गेहूं का आटा। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है एक कप गेहूं का आटा डाल देंगे। और गेहूं का आटा डालने के बाद अभी इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा मसाले। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल दिया है, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, थोड़ा सा जीरा पाउडर डाल देंगे और थोड़ा सा नमक डाल देंगे। और मैंने यहाँ पे आधा चम्मच ले लिया है अजवाइन, तो हाथ में इस तरह से लेंगे और थोड़ा सा क्रश करके डाल देंगे इस तरह से। और यहाँ पे मैंने ले लिया है एक चम्मच रिफाइंड ऑयल, वो डाल देंगे। आप घी भी डाल सकते हैं या बटर भी डाल सकते हैं। और ऑयल को डालने के बाद अच्छी तरह से इन सभी मसाले को गेहूं के आटे के साथ मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका एक डो बना लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं डो बनकर तैयार हो चुका है। तो अभी इस डो को 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे ढक्कन से ढककर, और चलते हैं दूसरी तैयारी करने। अभी यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई को रख दिया है गर्म होने के लिए। जैसे ही कढ़ाई गर्म हो जाए इसमें डाल देंगे थोड़ा सा ऑयल और ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने देंगे। जैसे ही ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए इसमें डाल देंगे आधा चम्मच जितना साबुत जीरा, और उसी के साथ इसमें डाल देंगे आधा चम्मच जितना सौंफ, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। और उसमें डाल देंगे अभी आधा चम्मच जितना साबुत धनिया। और इन सभी मसाले को डालने के बाद इसमें डाल देंगे एक हरी मिर्च को बारीक बारीक कट करके, और उसके बाद थोड़ा सा इसको फ्राई कर लेंगे। और जैसे ही ये हल्का सा फ्राई हो जाए इसमें डाल देंगे प्याज। तो मैंने यहाँ पे एक मीडियम साइज़ की प्याज को इस तरह से लंबे स्लाइसेस में कट कर लिया है, वो डाल दिया है। और प्याज को डालने के बाद इनको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। प्याज जैसे ही फ्राई हो जाए इसमें डाल देंगे उबले हुए आलू। तो मैंने यहाँ पे एक उबले हुए आलू को मैश करके डाल दिया है। अगर आप लोग इस नाश्ते को ज़्यादा बनाना चाहते हो तो एक आलू की जगह दो या तीन आलू भी डाल सकते हो। तो मैंने थोड़ा सा ही इस नाश्ते को बनाया है, इसीलिए मैंने यहाँ पे एक आलू का इस्तेमाल किया है। और आलू को मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। अभी इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा कलर के लिए हल्दी पाउडर, और उसी के साथ इसमें डाल देंगे थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, और अभी इसमें डाल देंगे थोड़ा सा जीरा पाउडर, और अच्छे से मिक्स कर लेंगे सभी मसाले को आलू के साथ, ताकि मसाले का जो कच्चापन है वो अच्छी तरह से चला जाए। तो यहाँ पे देख सकते हैं मसाले अच्छी तरह से आलू के साथ मिक्स हो चुका है। अभी इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक, और नमक डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अभी हमारे स्टफिंग को बहुत ही चटपटा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है एक चम्मच चाट मसाला, वो डाल देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास चाट मसाला ना हो तो आप इसमें आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं, और वो भी ना हो तो इसमें नींबू का रस भी डाल सकते हैं। स्टफिंग की टेस्ट बढ़ाने के लिए मैंने यहाँ पे चाट मसाला का इस्तेमाल किया है, तो आपके पास नहीं है तो नींबू का रस डाल देना। तो अभी देख सकते हैं हमारा जो स्टफिंग है वो बनकर तैयार है। अगर आपके पास हरा धनिया हो तो ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल देना, तो मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं डाला है। तो अभी गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और पूरी तरह से स्टफिंग को ठंडा होने देंगे, और चलते हैं अभी दूसरी तैयारी करने। तो अभी 10 मिनट हो चुका है, ढक्कन को हटाएंगे और हमारे डो को चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे लेंगे और इस तरह से हथेली से अच्छे से मल लेंगे। तो इस तरह से मलने से ना हमारा जो नाश्ता है बहुत ही कुरकुरा और खास्ता बनता है। और यहाँ पे देख सकते हैं मैंने डो को अच्छी तरह से मल लिया है। अभी क्या करेंगे, चाकू की मदद से इस तरह से दो भाग कर लेंगे, और अभी एक भाग को साइड पे रख देंगे और एक भाग को इस तरह से लेके जो नॉर्मल रोटी बेलते हैं ना उस तरह से बेल लेंगे। तो ऊपर से थोड़ा आटे से डस्ट कर लेंगे और नॉर्मल जो रोटी बेलते हैं इस तरह से बेल लेंगे।
यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एक रोटी को बनाकर तैयार कर लिया है, तो इस तरह करके दूसरे रोटी को भी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे दूसरे रोटी को भी बनाकर तैयार कर लिया है और हमने जो स्टफिंग रखा था ना वो पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। अभी चम्मच की मदद से इस तरह से सभी स्टफिंग को रख देंगे रोटी के ऊपर और अभी चम्मच की मदद से इस तरह से चारों तरफ लगा लेंगे स्टफिंग को। इस नाश्ते को बनाने के लिए ना बिल्कुल समय भी नहीं लगता है और बहुत ही आसान तरीके से कम चीज़ों से ये मज़ेदार नाश्ता बनकर तैयार होता है। तो देख सकते हैं मैंने स्टफिंग को चारों तरफ लगा लिया है। अभी दूसरी रोटी को इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे और चारों तरफ से इस तरह से बंद कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने चारों तरफ से बंद कर दी है और ऊपर से भी इस तरह से तोरा दबाते हुए इसको सेट कर लेंगे। अभी एक चाकू लेंगे और चाकू पे तोरा ऑयल लगा लेंगे और इस तरह से मनचाहे शेप में कट कर लेंगे। आपको जिस तरह से मन हो काटने का आप उस तरह से इस नाश्ते को काट कर खा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इस तरह से कट कर लिया है, देख सकते हैं। तो अभी इसको रख देंगे साइड पे और मैंने यहाँ पे ले लिया है एक बोल। इसमें डाल देंगे थोड़ा सा गेहूं का आटा, यानी कि 3 चम्मच जितना मैंने यहाँ पे ले लिया है गेहूं का आटा वो डाल देंगे और अभी इसमें डाल देंगे पानी और इसका एक गोल तैयार कर लेंगे इस तरह से। तो गोल तैयार है, इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक और कलर के लिए इसमें डाल देंगे थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और उसी के साथ इसमें डाल देंगे थोड़ा सा जीरा पाउडर और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा आटे का गोल बनकर तैयार है। अभी इसको रख देंगे साइड पे और मैंने यहाँ पे पहले से ही ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया है। ऑयल गर्म हो चुका है, अभी जो आटे का गोल बना के रखा है ना इस तरह से नाश्ते को गोल पे डिप करेंगे और ऑयल पे छोड़ देंगे। तो इस तरह करके कढ़ाई पे जितना आए उतना डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पे 3 डाला है। अभी गैस के फ्लेम को मीडियम पे रख के और इसको 1 मिनट के लिए एक साइड को अच्छे से फ्राई होने देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं 1 मिनट हो चुका है, एक साइड अच्छे से फ्राई हो चुका है और दूसरे साइड को भी फ्राई होने के लिए रख देंगे। तो दूसरे साइड भी अच्छे से फ्राई हो चुका है, देख सकते हैं। तो इस तरह करके निकाल लेंगे। तो इस तरह करके मैंने फिर से डाल दिया है और इस तरह करके सभी नाश्ते को बना लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा मज़ेदार गेहूं के आटे का नाश्ता बनकर तैयार है, बहुत ही इजी तरीके से और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुआ है। तो आप लोग भी इस तरह से घर पर आसानी से गेहूं के आटे के नाश्ते को बनाकर जरूर ट्राई कीजिए और इन्जॉय कीजिए मेरी रेसिपी को। तो एक नाश्ते को मैंने यहाँ पे तोड़ के भी दिखाया है, देख सकते हैं बहुत ही कुरकुरा बहुत ही मज़ेदार नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। तो अपने फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। तो मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ, आज के लिए बस इतना ही, बाय फ्रेंड्स।